सोमवार की सुबह तहसील परिसर पहुंचकर राशन डीलर संघ के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने बीते दिन हाथरस में किसान नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि किसान नेता जयंत चौधरी पर हुए जानलेवा लाठीचार्ज की सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक जाँच तथा जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। हमारे लोकप्रिय नेता एवं रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। कहा कि अगर 7 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो युवा वर्ग, जाट समाज व किसान वर्ग आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में अनिल चौधरी, विशाल चौधरी उर्फ नरसिम्हा, अभिजीत चौधरी उर्फ रवि चौधरी, अंकित चौधरी, मास्टर सूरज सिंह, हरपाल सिंह, सार्थक चौधरी, सनी चौधरी आदि जाट समाज के लोग उपस्थित थे। बिलारी से विशाल चंद्रा की रिपोर्ट। जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनके साथ हाथरस जाते समय जो पुलिस के द्वारा जो घटना हुई है, उन्हें लाठियों से पीटा गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज शांतिपूर्वक तरीके से जाट समाज बिलारी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गया तो उसमें कुछ और पार्टियों के लोगों ने आकर सरकार का विरोध करना चालू कर दिया। हमारा मकसद सरकार का विरोध करना नहीं था, मगर जो भारी जो लोग आए थे और पार्टियों का, उनका मतलब केवल सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना था। हमारा मकसद केवल उस पुलिस प्रशासन का विरोध करना था। उसने इस तरीके से एक राष्ट्रीय लेवल के नेता को लाठियों से पीटा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आपकी क्या मांग है पुलिस वालों का? जिसने एक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते पे जो लाठीचार्ज की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था।